एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। जसपुर जिले के थाना नारायणपुर क्षेत्र का 17 वर्षीय बालक अपने दोस्तों के साथ स्कूल गया हुआ था। शाम करीब 4 बजे छुट्टी से वापस घर आते समय उक्त बालक को पुरानी जान पहचान का फायदा उठाकर बहला फुसला कर एक आरोपी जो फरार है वो अपनी कार में बैठाया एवं चलो घूम कर आते हैं कहकर उसका ड्रेस चेंज कर अपने साथ ले गया। रास्ते में उस आरोपी ने बालक के मोबाइल को डरा धमका कर अपने कब्जे में ले लिया और अपने साथ रायपुर ले गया। वहां उसे रूम में बंद करके रखा। रायपुर में रखने के बाद आरोपी बालक को लेकर दूसरे दिन अंबिकापुर आया। फिर अपनी पूर्व प्रेमिका प्रीति डोली कुजूर के सहयोग से वे दोनों बालक को लेकर चलगली बिजला बलरामपुर आए एवं बालक को रूम में बंद कर बाहर से सटकने लगा दी। आरोपी वहीं एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थी जो बालक को रूम में बंद कर स्कूल चली गई। उसके बाद आरोपी बालक को चलगली में छोड़कर अपनी कार से भाग गया। उस दिन भी बालक को किराए के रूम में रखा गया था। आरोपी उसी दिनांक को स्कूल से 3 बजे वापस रूम में आई और रात्रि लगभग 8 बजे बालक को लेकर अंबिकापुर आई। आरोपी बालक को जसपुर जाने वाली बस में बैठाकर वहां से फरार हो गई। बालक की वापस घर आने पर उसकी माता की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मिलेगा। पुलिस अधीक्षक जसपुर शशि मोहन सिंह द्वारा उक्त फरार आरोपियों की पतासाजी के संबंध में थाना प्रभारी नारायणपुर को निर्देशित किया गया था। आरोपी अत्यंत शातिर किस्म के हैं एवं बार बार नाम बदलकर अपना ठिकाना बदल रही थी। उक्त आरोपी प्रीति डोली कुजूर निवासी गीना बहार चांची डांड को घर में आने की सूचना मुखबिर से मिलने पर दबिश देकर उसे अभिरक्षा मिलाया गया। पूछताछ में उसने बताया कि फरार आरोपी की वो पूर्व प्रेमिका है। फरार आरोपी को बालक की बहन पसंद नहीं करती थी, इस कारण उसका अपहरण करने में सम्मिलित रही। आरोपी प्रीति डोली कुजूर उम्र 28 साल निवासी गीना बहार चांची डांड के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण का मुख्य आरोपी फरार है, पतासाजी की जा रही है। जसपुर से अजित गुप्ता की रिपोर्ट। 22-23 जुलाई की दरमियानी रात एक परिवार आके बताया कि उनके बच्चे को कोई किडनैप करके ले गया है। इस पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए FIR पंजीबद्ध किया। घटना की विवेचना में ये चीज़ सामने आई कि जो व्यक्ति आरोपी लेके गया है बच्चे को वो उनकी बड़ी बेटी के जान पहचान में आता है और उनके बीच किसी तरह का प्रेम संबंध था और जब लड़की ने मना कर दिया तो उससे आक्रोशित होकर वो उसके भाई को स्कूल से ही लेके चला गया था। इसी में क्रम में जब पुलिस विवेचना कर रही थी तो एक अन्य लड़की की भी संलिप्तता जो है वो सामने आई थी। जब पुलिस उस लड़की के घर गई 25 तारीख को खोजते हुए तो अगले दिन उसने बालक को बस में बैठा के रवाना कर दिया। बालक हमको बस स्टैंड अंबिकापुर बस स्टैंड पे मिला हुआ था। तब से उन दोनों आरोपियों की पतासाजी जो है वो लगातार जारी थी। कल 2 अक्टूबर को पुलिस ने लड़की को पकड़ने में जिसका नाम डॉली कुजूर है सफलता प्राप्त की है। उसने खुद कबूल किया कि वो उस आरोपी की से पूर्व परिचित थी और उससे उसका प्रेम संबंध था और चूँकि आरोपी ने उसके लिए उसकी लड़के की बड़ी बहन के लिए उसे छोड़ दिया था, इसी आक्रोश में आकर उसने आरोपी की सहायता दी। वर्तमान में जो मुख्य आरोपी है वो अभी फरार है और डॉली कुजूर को रिमांड में लिया गया है।